أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Welcome to MS Official Channel My name is Muhammad Shahid And today we will discuss about the 9th class chapter 1 Introduction to Biology Multiple Choice Questions स्टार्ट करने से पहले नए आने वाले व्यूवर्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि वे मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस कर दें लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर एमसीक्यूज नंबर 1 साइंस इज़ द स्टडी दैट इंक्लूड्स ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट्स बोथ ए एंड बी नन ऑफ दीज तो ये एमसीक्यूज टेक्स्ट बुक की पेज नंबर 2 पे मौजूद है इसका राइट आंसर है बोथ ए एंड बी सी वाला क्योंकि बायोलॉजी या साइंस के अंदर फर्स्ट वन हम किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं ऑब्जर्व करने के बाद हम उस पर हाइपोथेसिस बनाते हैं हाइपोथेसिस बनाने के बाद हम उसके उस पर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद जो है वो हम उसको सही या गलत जो है वो प्रूव करते हैं सो, इसका जो राइट आंसर है वो है ए और बी दोनों सेकेंड वन है दी साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड लिविंग ऑर्गेनिजम्स की साइंटिफिक स्टडी को हम क्या कहेंगे फर्स्ट वन बायोटेक्नोलॉजी केमिस्ट्री बायोलॉजी जियोलॉजी इसका राइट आंसर है बायोलॉजी स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम बायोलॉजी कहेंगे बायोटेक्नोलॉजी एक डिफरेंट फील्ड है जिसके अंदर हम डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करके डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स जो हैं वो हासिल करेंगे वो बायोटेक्नोलॉजी होगा केमिस्ट्री जो है वो एक डिफरेंट फील्ड है जियोलॉजी जो है वो हम कहेंगे जियो मीन ज़मीन और लॉजी मीन मुतालिया यानी कि स्टडी ऑफ अर्थ ज़मीन का मुतालिया जो है वो जियोलॉजी कहलाएगा उसके बाद थर्ड है वर्ड बायोलॉजी हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम बायोलॉजी का लफ्ज़ जो है वो किस ज़बान से निकला है इंग्लिश ग्रीक इटालियन फ्रेंच तो इसका राइट आंसर है ग्रीक बायोलॉजी जो है वो ग्रीक से ड्राइव किया गया है फोर्थ वन है द वर्ड लोगोस मीन्स लोगोस का क्या मतलब है थॉट रीजनिंग बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज तो इसका राइट आंसर होगा बोथ ए एंड बी क्योंकि लोगोस कहते हैं लफ्जी मतलब है मुतालिया तो मुतालिया हम कब करेंगे जब उस चीज़ के बारे में सोचेंगे कि ये चीज़ क्या है क्यों है कैसे है फिर हम उस पर एक्सपेरिमेंट्स करेंगे उसको सही या गलत साबित करेंगे तो ये थॉट्स और रीजनिंग ये दोनों इसके अंदर आ जाएंगी लोगोस के अंदर फिफ्थ है द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड बॉटनी माइक्रोबायोलॉजी एनाटॉमी या जूलॉजी जो बायोलॉजी की स्टडी है जिसके अंदर ऑर्गेनिजम्स को स्टडी किया जाता है एनिमल्स को स्टडी किया जाता है तो उसके अंदर वो क्या कहते हैं उसको जूलॉजी कहते हैं इसका राइट आंसर जूलॉजी होगा बॉटनी के अंदर हम पौधों का मुतालिया करते हैं माइक्रोबायोलॉजी स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं एनाटॉमी जो है वो स्टडी ऑफ इंटरनल मॉर्फोलॉजी है यानी कि इंटरनल फॉर्म्स और स्ट्रक्चर का मुतालिया जो बॉडी के इंटरनल फॉर्म्स हैं उनका मुतालिया जो है वो एनाटॉमी कहलाएगा तो इसका राइट आंसर है जूलॉजी सिक्स वन है द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड जो फॉर्म और स्ट्रक्चर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की उसका मुतालिया क्या कहलाएगा मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी हिस्टोलॉजी सेल बायोलॉजी इसका राइट आंसर है मॉर्फोलॉजी ये टेक्स्ट बुक की पेज नंबर 3 पे मौजूद है मॉर्फो मीन कहते हैं फॉर्म और स्ट्रक्चर और लॉजी मीन कहते हैं मुतालिया ठीक है मॉर्फोलॉजी मतलब कि फॉर्म और स्ट्रक्चर का मुतालिया किसकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एनाटॉमी मैंने बताया कि स्टडी ऑफ इंटरनल मॉर्फोलॉजी यानी कि इंटरनल फॉर्म्स और स्ट्रक्चर का मुतालिया और हिस्टोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ टिश्यूज़ को सेल बायोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ सेल्स को उसके बाद सेवंथ है द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़ जो टिश्यूज़ की माइक्रोस्कोपिक स्टडी है उसको क्या कहते हैं पैलियंटोलॉजी फार्माकोलॉजी एंटोमोलॉजी हिस्टोलॉजी तो इसका राइट आंसर है हिस्टोलॉजी जो पैलियंटोलॉजी है वो स्टडी ऑफ फॉसिल्स है जो फार्माकोलॉजी है वो स्टडी ऑफ ड्रग्स हैं कि ड्रग्स जो हैं वो किस तरह से बनाए जाएंगे वो किस तरह से ह्यूमंस के ऊपर अफेक्टिव होंगे उसका क्या बेनिफिट्स होंगे
और उसके क्या रिजल्ट्स निकलेंगे, ये फार्माकोलॉजी है। एंटामोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स है, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स जो है वो एंटामोलॉजी होगा। तो इसका राइट आंसर है हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट वन है हिस्टोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डेफिनेटली टिश्यूज हैं, पहले भी डिस्कस किया। उसके बाद नाइन्थ है द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड, यानी कि ऑर्गेनिजम्स की डिफरेंट पार्ट्स के जो फंक्शंस की स्टडी है उसको हम क्या कहेंगे, मॉर्फोलॉजी कहेंगे, एनाटॉमी कहेंगे, हिस्टोलॉजी कहेंगे या फिजियोलॉजी कहेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी मींस के हम किसी भी ऑर्गेनिजम्स के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो किस तरह से मूव कर रहे हैं, उनका क्या फंक्शंस है, लेग कैसे मूव कर रहा है, बाजू किस तरह से मूव कर रहा है या फिर टंग कैसे मूव कर रही है। तो डिफरेंट बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के जो फंक्शंस हैं वो फिजियोलॉजी होगा। मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी और हिस्टोलॉजी के बारे में मैंने पहले बता दिया। टेंथ वन है द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द सेल्स एंड सेल ऑर्गेनाइज, यानी कि जो सेल और सेल ऑर्गेनाइज की स्ट्रक्चर और फंक्शंस के बारे में स्टडी है उसे हम क्या कहेंगे, हिस्टोलॉजी, एनाटॉमी, सेल बायोलॉजी, पैलियंटोलॉजी। तो इसका राइट आंसर होगा सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी मींस के सेल और सेल ऑर्गेनाइज की स्ट्रक्चर और फंक्शंस की स्टडी। 11th वन है द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी को हम क्या कहेंगे, मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी या सेल बायोलॉजी। तो इसका राइट आंसर है एनाटॉमी। एनाटॉमी इंटरनल फॉर्म्स और इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्टडी होगी। 12th है द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस इज कॉल्ड, स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस को क्या कहेंगे, एम्ब्रियोलॉजी, जेनेटिक्स, सुअरोलॉजी, फिजियोलॉजी। तो इसका राइट आंसर होगा जेनेटिक्स। एम्ब्रियोलॉजी स्टडी ऑफ एम्ब्रियो होगा, जुअरोलॉजी स्टडी ऑफ एनिमल्स होगा, फिजियोलॉजी हमने पढ़ा कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी के जो फंक्शंस हैं, फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, वो फिजियोलॉजी होगा। जो इनहेरिटेंस की स्टडी है उसको हम जेनेटिक्स कहेंगे। द 13 है द स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल्स इन इनहेरिटेंस इज कॉल्ड, इनहेरिटेंस के अंदर जीन्स और उनके रोल की स्टडी को हम क्या कहेंगे। फर्स्ट वन है हिस्टोलॉजी, एनाटॉमी, जेनेटिक्स, इनहेरिटेंस। इसका राइट आंसर है जेनेटिक्स, क्योंकि स्टडी ऑफ जीन्स जेनेटिक्स होगा, हिस्टोलॉजी स्टडी ऑफ टिश्यूज होगा, एनाटॉमी स्टडी ऑफ इंटरनल मॉर्फोलॉजी होगा, इनहेरिटेंस भी स्टडी ऑफ जीन्स ही है, लेकिन जो इसका राइट आंसर होगा वो जेनेटिक्स होगा। द स्टडी ऑफ रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जो ऑर्गेनिजम्स ख़त्म हो चुके हैं उनकी रिमेन्स के बारे में, यानी कि उनकी जो बाकियात हैं, उनके जो फोसिल्स हैं, उनकी स्टडी को हम क्या कहेंगे, टैक्सोनॉमी, पैलियंटोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी या एंटामोलॉजी। तो इसका राइट आंसर होगा पैलियंटोलॉजी। पैलियंटोलॉजी स्टडी ऑफ फोसिल्स होगा। फिर उसके बाद है 15 द स्टडी ऑफ फोसिल्स इज कॉल्ड इम्यूनोलॉजी, फार्माकोलॉजी, पैलियंटोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी। इसका राइट आंसर है पैलियंटोलॉजी, स्टडी ऑफ फोसिल्स। इम्यूनोलॉजी स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम होगा। फार्माकोलॉजी मैंने बताया कि स्टडी ऑफ ड्रग्स होगा, कि ड्रग्स किस तरह से ह्यूमंस के ऊपर अफेक्टिव होंगे, वो क्या उनके रिजल्ट्स निकलेंगे, क्या उनके बेनिफिट्स होंगे, क्या उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होंगे। पैरासाइटोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ पैरासाइट्स होगा। उसके बाद 16 है तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज आल्सो नोन एज, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को हम क्या कहते हैं, बायोमेट्री, बायोइकोनॉमिक्स, बायोकेमिस्ट्री या नन ऑफ दीज, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की स्टडी को या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर है बायोकेमिस्ट्री। बायोमेट्री क्या होती है, बायोमेट्री द एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस टू बायोलॉजिकल डाटा, यानी कि बायोलॉजिकल डाटा को एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के अंदर लेके आना, ये बायोमेट्री है। बायोइकोनॉमिक्स क्या है, बायोइकोनॉमिक्स की भी डेफिनेशन लिखें, बायोइकोनॉमिक्स इज द साइंस डिटर्मिंग द सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटी थ्रेशहोल्ड फॉर विच अ बायोलॉजिकल सिस्टम कैन बी अफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड
without destroying the conditions for its regeneration and therefore its sustainability. यानी कि कोई भी जो सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं जो कि बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर जो कि अफेक्टिवली या एफिशिएंटली जो है वो काम कर रही हैं बगैर कंडीशंस को डिस्ट्रॉय करे, बगैर कंडीशंस को डिस्ट्रॉय करे उसके रीजनरेशंस की और वो सस्टेन कर रही हैं, तो वो बायो इकोनॉमिक्स होगा. बायोकेमिस्ट्री जो है वो माइक्रो बायोलॉजी की स्टडी होगा. उसके बाद है 17 द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डैट डील्स विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल्स डैट मेक सोसाइटीज़. तो वो क्या होगा, यानी कि हम सोशल बिहेवियर की स्टडी कर रहे हैं तो सोशल बिहेवियर की स्टडी को हम क्या कहेंगे, सोशल बायोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, एंटोमोलॉजी, इम्यूनोलॉजी. सोशल बायोलॉजी इसका राइट आंसर है, पैरासाइटोलॉजी स्टडी ऑफ पैरासाइट्स है, एंटोमोलॉजी स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स है, इम्यूनोलॉजी स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम है. 18 है द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज कॉल्ड इम्यूनोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, हिस्टोलॉजी, एंटोमोलॉजी. राइट आंसर है एंटोमोलॉजी. उसके बाद है 19वां स्टडी ऑफ अक्रंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड. यानी कि ऑर्गेनिजम्स की वर्ल्ड में, दुनिया में, अर्थ के ऊपर डिफरेंट रीजन्स के अंदर उनका मौजूद होना या उनकी डिस्ट्रीब्यूशन होना, इसकी स्टडी को हम क्या कहेंगे, बायोकेमिस्ट्री कहेंगे, बायोजियोग्राफी कहेंगे, बायोमेट्री कहेंगे, एंटोमोलॉजी कहेंगे. बायोकेमिस्ट्री स्टडी ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स होंगे. बायोजियोग्राफी, बायो मीन जानदार, जियो मीन ज़मीन या अर्थ, और ग्राफी मीन के उनकी स्टडी ऑफ अकरेंस. ग्राफी मीन स्टडी ऑफ अकरेंस, यानी कि उनकी बायोजियोग्राफी जो है वो इसका राइट आंसर होगा कि ऑर्गेनिजम्स की अर्थ के ऊपर जो अकरेंस है उसकी जो स्टडी है उसको बायोजियोग्राफी कहेंगे. बायोमेट्री कहते हैं कि बायोलॉजिकल डाटा को एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के अंदर लेके आना. एंटोमोलॉजी स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स हैं. फिर 20 है द कॉस्ट एंड प्रॉफिट वैल्यू ऑफ यील्ड ऑफ वीट क्रॉप कैन बी कल्टिवेटेड थ्रू. यानी कि जो एक गंदम की फसल है उसको बोने से लेकर उसके काटने तक उस पर क्या लागत आई, उस पर क्या खर्च हुआ और कितना हमें जो है वो प्रॉफिट हुआ, कितना आउटपुट मिला. तो इसकी जो स्टडी है या इसके बारे में जो हम कैसे पढ़ेंगे या किस ब्रांच के अंदर जो है उसको स्टडी करेंगे, बायोजियोग्राफी के अंदर, बायो इकोनॉमिक्स के अंदर, बायोफिजिक्स के अंदर या बायोमेट्री के अंदर. तो इसका राइट आंसर है बायो इकोनॉमिक्स. बायोफिजिक्स क्या होगा, द स्टडी ऑफ फिजिकल फिनोमेना और फिजिकल प्रोसेसेस इन लिविंग थिंग्स. इसको हम बायोफिजिक्स कहेंगे कि फिजिकल फिनोमेना और फिजिकल प्रोसेसेस की जो स्टडी है लिविंग थिंग्स के अंदर, कि जो आर्म्स हैं वो कैसे मूव कर रहा है, जो लेग है वो कैसे मूव कर रहा है, ठीक है, तो या बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो किस तरह से मूवेबल हैं या किस तरह से मूव कर रहे हैं, किस किस डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो ये बायोफिजिक्स होगा. उसके बाद है द आर्ट ऑफ गार्डनिंग. आर्ट ऑफ गार्डनिंग जो है वो क्या कहलाएगा, एग्रीकल्चर कहलाएगा, फॉरेस्ट्री कहलाएगा, हॉर्टिकल्चर कहलाएगा या एनिमल हस्बेंड्री कहलाएगा. तो इसका राइट आंसर है हॉर्टिकल्चर, यानी कि जो गार्डनिंग करना है, जो घर के अंदर जो है वो गार्डन बनाना है, उसको हम जो है वो हॉर्टिकल्चर कहते हैं. एग्रीकल्चर जो है वो क्रॉप्स की कल्टिवेशन होगी, क्रॉप्स की ग्रोथ होगी, सॉइल के अंदर एग्रीकल्चर होगा. फॉरेस्ट्री जो है वो जंगलात उगाना होगा. वो एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं कि एनिमल केयर टेक, यानी कि एनिमल्स को रखना, उनकी ब्रीडिंग देखना, उनको उनकी केयर करना, उनकी नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस करना, एनिमल हस्बेंड्री है. एनिमल हस्बेंड्री की डेफिनेशन ये है कि एनिमल हस्बेंड्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विद द प्रैक्टिस ऑफ ब्रीडिंग, फार्मिंग एंड केयर ऑफ फार्म एनिमल्स सच एज कैटल, डॉग्स, शिप एंड हॉर्सेज बाय ह्यूमंस फॉर एडवांटेजेस. तो ये एनिमल हस्बेंड्री होगा. ये बुक की पेज नंबर 5 पर भी मौजूद है. उसके बाद है 22 प्रोफेशन डीलिंग विद प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू जो यूजफुल प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्रोडक्शन करना क्या कहलाता है, माइक्रोबायोलॉजी, एनिमल हस्बेंड्री, बायोटेक्नोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री. इसका राइट आंसर होगा बायोटेक्नोलॉजी. क्यों मैंने कहा कि बायोटेक्नोलॉजी
कह रहे हैं कि एक ऐसी तकनीक है जिसके अंदर हम डिफरेंट एनिमल्स को यूज़ करते हैं अपने बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स को हासिल करने के लिए, यानी कि वो प्रोडक्ट्स जो हमारे डिज़ायर के अकॉर्डिंग है, जो हमें प्रोडक्ट्स हमें चाहिए, हमारी ज़रूरत के हैं, उनको हासिल करने के लिए हम एनिमल्स के ऊपर डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करेंगे, उनकी जेनेटिक्स में चेंजिंग लेके आएंगे, उनके जीन्स बदल देंगे, उनकी खसूसियात बदल जाएगी, तो हमारी बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स हमें हमारे डिज़ायर के अकॉर्डिंग मिल जाएंगे। तो इसका राइट आंसर है बायोटेक्नोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और 23 है, ही मेड मैन फ्राम क्ले लाइक द पॉटर द वर्स इज़ टेकन फ्राम, यानी कि एक आयत है कुरान की कि उसने इंसान को कुम्हार की तरह मिट्टी से बनाया। तो ये किस सूरत की है या किस सूरत की ये आयत है? तो ये सूरह रहमान की आयत है, टेक्स्ट बुक की पेज नंबर 6 पे मौजूद है। फिर उसके बाद है 24, द सूरह ऑफ कुरान विच वेरीफाइज क्लासिफिकेशन, यानी कि वो कुरान की सूरह जो कि वेरीफिकेशन को वेरीफाई कर रही है, क्लासिफिकेशन को वेरीफाई कर रही है, सॉरी, ये टेक्स्ट बुक की पेज नंबर 7 पे है। तो इसका राइट आंसर है 24 का बी, मींस डैट के अनूर सूरत। उसके बाद है 25, द डेट ऑफ बर्थ ऑफ जाबिर बिन हयान, जाबिर बिन हयान की डेट ऑफ बर्थ क्या है? 721 ईस्वी है। बुक रिटन बाय बुअरी सीना, बुअरी सीना ने कौन सी किताब लिखी है? अर्नबतात, अर कानूनुल फुतब, ननफतीज या अर वहूश। तो इसका राइट आंसर है सी, अल कानूनुल फुतब। 27 है, बाय व्हाट नेम बुअरी सीना इज़ फेमस इन यूरोप, यूरोप के अंदर जो है वो बुअरी सीना किस नेम से फेमस थे? बॉटनिस्ट, पोएट, एविनिका, फिलोसोफर। इसका राइट आंसर है एविनिका। 28 है, द नेम ऑफ द राइटर ऑफ अल कानूनुल फुतब, तो ये हमने पहले डिस्कस किया, बुअरी सीना है। उसके बाद 29 है, अल नबातात एंड अल हयान आर रिटन बाय बुअरी सीना, अब्दुल मलिक असमी, जाबिर बिन हयान या अल ख्वारज़्मी। तो इसका राइट आंसर है जाबिर बिन हयान, जाबिर बिन हयान ने ये दोनों बुक्स जो हैं वो लिखी थी। उसके बाद 30 है, द डेट ऑफ डेथ ऑफ बुअरी सीना, बुअरी सीना की डेट ऑफ डेथ क्या है? डेट ऑफ डेथ इसकी है 1037 ईस्वी, यानी कि 721 ईस्वी में ये बुअरी सीना पैदा हुए और 1037 ईस्वी के अंदर जो है वो बुअरी सीना की डेथ हुई। तो ये है पार्ट 1। पार्ट 2 के अंदर हम नेक्स्ट जो है वो एमसीक्यूज 62 तक डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।